कोविड-19 के बढ़ते केसों को लेकर भाजपा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत चावला ने अपनी ही सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे लोगों को कोरोना महामारी से बचाएं, लोगों को मरने से बचाने के लिए जल्द से जल्द टीके और ऑक्सीजन प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। कोविड-19 से इसे बचाने के लिए 1 मई को वैक्सीन लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया है, जिससे देश का युवा परेशान है और उनमें भय का माहौल भी है। नतीजतन केंद्र सरकार को इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक प्रार्थना, एक अपील, एक संदेश, जो समझें पर सुने हमारी बात। पंजाब में कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन जो लगाने का काम 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए शुरू होना था, जवानी देश की पंजाब की तरस रही है कि सबको कोरोना वैक्सीनेशन मिले। आखिर पंजाब को क्यों नहीं मिली? और मोदी जी, सांस घुटता है ये सुन के कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते दुनिया से चले गए। आज भी तो कर्नाटक की खबर है ना, 24 लोग केवल इसलिए मारे गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। पंजाब में ऐसा हुआ, दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़पते चले गए हिंदुस्तान से, आजाद हिंदुस्तान से। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि भगवान के लिए पूरे देश को वैक्सीनेशन दीजिए, कहीं से भी दीजिए और ऑक्सीजन दीजिए। एक और प्रार्थना, कितना अच्छा होता अगर जनवरी 2021 शुरू होते ही जैसे कोरोना ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू किया, उसी समय पूरे देश से, सारे जल से, सारी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी अभियान बंद कर दिए जाते। अफसोस कि हमारा चुनाव आयोग भी सोया रहा, पहले नहीं मना किया, अब क्या करें, सांप निकल गया, लकीर पीटने से क्या लाभ होगा, अब जो बचा उसे बचाइए। चार चार लाख लोग एक दिन में कोरोना का शिकार हो जाएं, हजारों मारे जाएं, बड़ा दर्दनाक मंजर है। मोदी जी, देश को दवाई दीजिए, देश को ऑक्सीजन दीजिए और वह सब कुछ दीजिए जो जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री से ये मांगता है। जय हिंद। अमृतसर से ललित शर्मा।